अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो टुडे आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन ऑफ SQL SQL। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज DBMS? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एंड रिट्रीव द डेटाबेस। DBMS एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम यूज करते हैं डेटाबेस में डाटा को स्टोर करने के लिए और डेटाबेस में से डाटा को फेच करने के लिए। देर आर सम पॉपुलर DBMS टूल्स लाइक MySQL। टुडे हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, MySQL, लेकिन NoSQL भी होता है, Oracle भी होता है, ठीक है। सो SQL, फर्स्ट थिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ SQL मीन्स SQL क्या होता है। इट इज अ स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। SQL क्या है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज मीन्स कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट एंड रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है फॉर रिलेशनल डेटाबेस के लिए। इसमें हम लोग कौन सा डेटाबेस स्टोर करते हैं? जो रिलेशनल डेटाबेस हो। जो डेटाबेस रिलेशनल नहीं होता, हम लोग उसमें MySQL में डेटाबेस जो रिलेशनल नहीं होता उसे हम स्टोर नहीं कर सकते। ये बना ही रिलेशनल डेटाबेस के लिए है सॉफ्टवेयर। द स्टैंडर्ड SQL कमांड्स सच एज सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट एंड ड्रॉप कैन बी यूज्ड टू अकॉम्प्लिश ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट वन नीड्स टू डू विद अ डेटाबेस। मीन्स के जो SQL कमांड्स होती हैं, जैसे सेलेक्ट हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट, ये जो सारी कमांड्स हैं इनके थ्रू हम सब कुछ डेटाबेस में से कर डेटाबेस में कर सकते हैं। कमांड्स के बारे में जो है वो परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। डोंट टेक टेंशन, आगे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कराऊंगी। सम टाइम वी कैन कॉल दिस रिलेशनल डेटाबेस बिकॉज वी स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स और रिलेशंस। सम टाइम हम जो है SQL को रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं बिकॉज हम लोग इसमें जो डेटाबेस स्टोर करते हैं वो रिलेशनल होता है। दैट्स व्हाई हम इसे रिलेशनल डेटाबेस भी कह सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ SQL। 1970 EF Port is known as the father of relational database. EF Port कौन है? Father of relational database. He described the relational model for database. Relational model क्या है? Data stored in the form of tables. इन्होंने describe किया था किसके लिए? Database के लिए. He tried to implement by theoretically we can be store data as well as fetch it. हम data को store भी कर सकते हैं, हम data को fetch भी कर सकते हैं। In 1974, he proved it. इन्होंने proved कर लिया था through the help of mathematical function. Relational algebra is a subject of mathematics. तो उन्होंने relational algebra के through उन्होंने prove कर ली थी अपनी ये theory के data को हम store कर सकते हैं in the form of tables, database में। In 1978 to 1986 क्या हुआ था जी? On the basis of EF Port concept of mathematical functions, later on one company, एक कंपनी जो थी IBM कंपनी, स्टार्ट कन्वर्टेड इनटू लैंग्वेज कार सिंपल फिनिश क्यूरी लैंग्वेज SQL। आफ्टर लेटर दे रिप्लेस्ड इट नेम स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज अपीयर्ड। IBM कंपनी ने इनके जो इनका जो कॉन्सेप्ट था उसे कन्वर्ट किया था एक लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज को हम कहते थे सिंपल इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। और आफ्टर सम टाइम जो है इस लैंग्वेज का जो नाम रिप्लेस हो गया था बाय स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। ओके, अब रिलेशनल डेटाबेस मीन SQL कंटेन द फॉलोइंग टूल्स। इसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं जी? टेबल्स होते हैं इसमें, रिकॉर्ड होते हैं, टूपल को भी हम रिकॉर्ड कहते हैं, कॉलम्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स मीन कॉलम, एट्रीब्यूट फील्ड्स, ये एक ही है, ठीक है। हम कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट्स को हम फील्ड्स भी कह सकते हैं। स्कीमा होता है, स्कीमा मीन टेबल, टेबल मीन स्ट्रक्चर। कीज होती हैं, प्राइमरी कीज फॉरेन की होगी, सुपर की होगी, कैंडिडेट की होगी, कॉम्पोजिट प्राइमरी की होगी, कॉन्स्टेंट कुछ होते हैं, जैसे कोई भी एट्रीब्यूट है उसका भी कॉन्स्टेंट है, मतलब नोट नल है, बाय डिफॉल्ट है, तो ये जो होते हैं ये कॉन्स्टेंट होते हैं। व्हाट SQL कैन डू, SQL क्या क्या कर सकता है? अलाउ यूजर्स टू एसेस डेटा इन अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। SQL के थ्रू जो है, SQL जो है सॉफ्टवेयर वो यूजर को अलाउ करता है कि आप डेटा एसेस कर सकते हैं इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से। अलाउ यूजर्स टू रिट्रीव मींस फेच अ लार्ज अमाउंट ऑफ रिकॉर्ड्स फ्रॉम आवर डेटाबेस वेरी क्विकली एंड एफिशिएंटली। अलाउ यूजर्स टू इंसर्ट कर सकते हैं न्यू कोई भी रो
डिलीट आपको भी अगर एट्रीब्यूट्स का नेम जो है वो अगर किसी भी यूजर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड गलत मैंने लिखा हुआ है तो मैं उसको डिलीट करके न्यू अपडेट कर सकती हूँ, डिलीट कर सकती हूँ किसी भी रिकॉर्ड को तो डेटाबेस में से. अलाउ यूजर्स टू क्रिएट एंड ड्रॉप डेटाबेस एंड टेबल्स, यूजर को अलाउ करता है सीक्वल. आप डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं, डेटाबेस में से टेबल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं. आप टेबल्स की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको जो है नाम भी, उनकी जो वैल्यूज भी इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये यूजर्स को अलाउ करते हैं. आप इन सब को डिलीट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, ऑल्टर भी कर सकते हैं. ठीक है. अलाउ यूजर्स टू क्रिएट व्यूज कर सकते हैं आप. क्रिएट स्टोर प्रोसीजर फंक्शंस इन आर डेटाबेस, आप फंक्शंस भी बना सकते हैं डेटाबेस में से, क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में से डाटा को फेच करने के लिए. आप जिस तरीके से अगर डेटाबेस में डाटा स्टोर है तो आप कहते हैं कि मैंने जो डाटा देखना है वो अपर केस लेटर में देखना है उस फंक्शंस के थ्रू, तो आप उनके जो है वो सेंटेक्स यूज करके फंक्शंस के आप कर सकते हैं. तो सीक्वल जो है वो आपको बहुत ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. दैट्स व्हाई हम लोग जो है सीक्वल्स यूज करते हैं फॉर रिलेशनल डेटाबेस के लिए. ठीक है. और इसमें हमें पता चल गया डेटा एसक्यूएल जो है क्या कर सकते हैं और हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वो हमें ये चीजें अलाउ करता है. आई थिंक सो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि सीक्वल सबसे पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है. सॉफ्टवेयर उसमें मैंने आपको माई सीक्वल पढ़ाया, हम लोगों ने पढ़ा और उसमें से हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन देखा, उसकी हिस्ट्री देखी और फिर मैंने कुछ हम लोगों ने टूल्स पढ़े. फिर हम लोगों ने पढ़ा कि हम लोग क्यों एसक्यूएल कोड यूज करते हैं, वो क्या काम कर सकता है. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा. और अगर आपको समझ आ गया होगा तो थैंक यू सो मच. और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो जो है, हर नई वीडियो की जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे. थैंक यू सो मच.